अब तो मेरे पिया की दया ना समावे इंड गरेगा पमा रे प म रे म ग स ग रे नी प सा सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनी से चरण रहूं सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनीस चरण रहूं सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनीस चरण सन मंधु मेरा याही सो सन मंधु मेरा याही सो मैं ताथे सदा सुख ले सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनीस चरण रहूं सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनीस चरण रहूं सन मंधु मेरा याही सो सन मंधु मेरा याही सो मैं ताते सदा सुख ले सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनीस चरण रहूं शून्य निराकार खोज रहे कहीं हाँ शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कहीं हाँ बहुत बहु विधि ढूंढिया बहुत बहु विधि ढूंढिया सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनीस चरण
श्री महामती कहे ऐसाथ जी एह श्री देवचंद्र जी की बीतक आगे खोज करेंगे सो बातें बुजरक
सो बातें बुजरक। बीतक कच्छ देश की, अब कहो कच्छ देश की। अक्षरा तीर्थ धाम धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से वर्णन करवा रहे हैं कि कच्छ में श्री देवचंद जी ने कैसे कैसे खोज की। जब कच्छ में श्री देवचंद जी पहुंचते हैं उस समय उनकी उम्र होती है 16.5 वर्ष मात्र। तरह तरह के पंथों में भटकते हैं। सबसे पहले मंदिरों में जाते हैं। मंदिरों में जाते जानते हैं अब क्या होता है, षोडश उपचार पूजन। तरह तरह की मूर्तियां होती हैं। मूर्ति किसकी होती है? परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं होती। जो अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है उसकी मूर्ति भला कैसे बनाई जा सकती है? मूर्तियां धातु की हो सकती हैं, पत्थर की हो सकती हैं, लकड़ी की हो सकती हैं। लेकिन जो भी महापुरुष हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, या भिन्न भिन्न अवतारों की कल्पना करके मूर्तियाँ आज देश में बनाई जाती है, वो ज्ञान की खोज में निकले हैं। परमात्मा कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, शरीर को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ। जिस भी मंदिर में जाते हैं पुजारी जी कहते हैं कि तुम किस क्या चाहते हो, वो कहते हैं कि कोई ज्ञान चर्चा सुनाने वाला नहीं है। कहते हैं कि ज्ञान चर्चा की क्या हो सकता है, साक्षात परमात्मा की यह मूर्ति बैठी है, तुम इनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन देवचंद जी तो जानते थे कि मूर्ति से मुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। यह हमारे इस देश का, हिंदू समाज का दुर्भाग्य है कि आज से लगभग 3000 वर्ष से मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो गया और इस जड़ की पूजा ने सारे हिंदू जनमानस की बुद्धि को भी इतना जड़ बना दिया है कि कोई सोचता नहीं कि हमारे वेद शास्त्रों में लिखा क्या है। 1000 वर्षों से यह देश पराधीन रहा, लेकिन देश को जागृत करने वाली कोई मनीषी पैदा नहीं हो पाई। तक्षशिला विश्वविद्यालय ने चंद्रगुप्त और चाणक्य को पैदा किया। विश्वामित्र और वशिष्ठ के गुरुकुलों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पैदा किया, लक्ष्मण को पैदा किया। अगस्त ऋषि ने हनुमान को पैदा किया। लेकिन इतिहास साक्षी है कि 3000 वर्षों से इन मंदिरों ने आज तक एक भी कोई महान मनुष्य, महान विद्वान, महान योगी को जन्म नहीं दिया और न कभी दे पाएंगे, क्योंकि मंदिरों की क्रिया पद्धति भौतिकवादी होती है। कौन कितना सोना चढ़ा सकता है, कितना धन चढ़ा सकता है, क्या खाना पीना श्रृंगार, यही तो चलता है। हीरे का हार, सोने का हार, मोतियों का हार, इससे आत्मा को क्या मिलना है? परमात्मा को क्या हो सकता है 56 भोग लगाने की? परमात्मा को क्या हो सकता है सोने के खड़ों की? लेकिन हिंदू समाज इसी में लगा हुआ है। आप देखेंगे तिरुपत मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है 1 वर्ष में 1200 करोड़ का कम से कम, सबरीमाला मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है 700 करोड़ रुपए का। केवल 2 मंदिरों में इतनी सामर्थ्य है कि 100 करोड़ की कम से कम 19 यूनिवर्सिटी तो हर साल बना सकते हैं। आप सोचिए, धर्म के नाम पर, परमात्मा को चढ़ाने के नाम पर देश में जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे साईं बाबा का मंदिर हो, वैष्णो देवी का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, द्वारिकाधीश का मंदिर हो, जगन्नाथ का मंदिर हो, इन सभी मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है वह चढ़ावा यदि शिक्षा में फैलाया जाता, आज देश का बहुसंख्यक समाज, मैं समझता हूँ 70% हिंदुओं ने तो चारों वेदों को देखा तक नहीं है। मैं समझता हूँ आधे हिंदुओं को गायत्री मंत्र याद नहीं होगा, 80% हिंदुओं को गीता का पहला श्लोक याद नहीं होगा, 90% हिंदुओं का वेद का पहला मंत्र याद नहीं होगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? धर्मांतरण तो होगा ही। जहाँ मंदिरों में केवल दिन रात चढ़ावा ही चढ़ता है, घंटी घड़ियाल बजते हैं और मंदिरों के महंत राजाओं जैसी सुख सुविधा भोगते हैं, तो क्या वहाँ आवश्यकता रह गई ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश की, परमात्मा के साक्षात्कार की? मूर्ति बना दी, चढ़ावा चढ़ रहा है,
इससे देश अज्ञानी हो गया, देश में शिक्षा का प्रसार समाप्त हो गया। कहीं कहीं ज्योति जलती रहती है गुरुकुलों से, जहाँ थोड़ा बहुत वेद का पठन पाठन चिंतन मनन दर्शनों का उपनिषदों का होता है, नहीं तो भागवत की कथाएँ रासलीलाएँ रामलीलाएँ कर कर सबका मनोरंजन करना ही धर्म का उद्देश्य रह गया है। देवचंद जी जाते हैं तो किसी भी मंदिर में ज्ञान चर्चा नहीं मिलती। मैं जगन्नाथपुरी गया था कई वर्ष पहले, वहाँ की स्थिति यह है कि लगभग 90% से अधिकतर पंडे रात को बिना शराब मछली के बिना खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, क्या दुर्भाग्य है। मैंने एक पंडित जी को बुलाकर पूछा कि आप दिन भर दक्षिणा लेते रहते हो, आप लोग कुछ धर्म ग्रंथ पढ़कर प्रवचन क्यों नहीं देते? तो पंडा हंसने लगा, कहने लगा कि बिना परिश्रम के जब पैसा मिल रहा है तो पढ़ने लिखने का झंझट कौन पाले। यही है पूरे देश की कहानी। आप कहीं भी चले जाइए किसी मंदिर में कोई ज्ञानी बैठा हुआ नहीं मिलता है। और इसी का परिणाम है कि हिंदू समाज दिन पर दिन अकर्मण्य होता गया। 100 करोड़ की जनसंख्या है हिंदू समाज की लगभग इस समय देश में, लेकिन जब गुरुकुल ही नहीं होंगे, वेद शास्त्र का पठन पाठन ही नहीं होगा तो क्या होगा। आज 12 वर्ष का बच्चा, एक मुस्लिम का बच्चा पूरी कुरान को कंठस्थ कर लेता है, हिंदू का बच्चा जानता भी नहीं कि गीता का पहला श्लोक क्या है, वेद का पहला मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र को भी उस नहीं जानता। अधिकतर लोग गायत्री मंत्र को भी उच्चारित करना नहीं जानते, सामान्य जनता तो दूर, अधिकतर विद्वानों को भी गायत्री मंत्र बोलने तक नहीं आता। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। दूर की बात छोड़िए, हमारे सुंदर साथ 40 लाख सुंदर साथ में से काफी सुंदर साथ ऐसे भी मिलेंगे जिनको तारतम मंत्र भी याद नहीं है। अच्छे चौपाइयों क्यों दिन भर घंटी घड़ियाल में लगे रहना है, पूजा पाठ में लगे रहना है। तारतम के 6 चौपाई जो समाज याद नहीं कर सकता, जिनको ये पता नहीं कि मूल मिलावा क्या है, जिसको ये पता नहीं कि युगल स्वरूप क्या है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और जब तक ये मंदिरों को राजमहल बनाने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, सजावट से हम खुश होते हैं कि हमने मंदिर में इतना सोना चढ़ा दिया, इससे क्या मिलने वाला है। आज स्वामीनारायण मत भी पूरे देश में जगह जगह सोने के कलश चढ़ाता जा रहा है, जगह जगह करोड़ों के मंदिर बनाता जा रहा है। मैं पूछता हूँ उससे समाज को क्या मिलना है। 400 करोड़ का अक्षरधाम दिल्ली में बना दिया गया, उससे देश को क्या उपलब्धि होने वाली है। केवल तमाशे, फवारे छुड़ाए जा रहे हैं, कुछ प्रदर्शनी कर दी जा रही है। 400 करोड़ में तो 4 विश्वविद्यालय खड़े हो सकते थे, जहां गरीब बच्चों को विद्वान बनाकर देश की रक्षा में लगाया जा सकता था, धर्म और संस्कृति की रक्षा में योगदान करते। लेकिन मंदिरों से न कभी जागृति हुई है, न कभी होने वाली है और न कभी हो सकेगी। देवचंद जी निराश हो जाते हैं कि मुझे इन मंदिरों में कुछ नहीं मिलेगा। अब वो जाते हैं दत्तात्रेय के अनुयायी सन्यासियों के पास। मैं अभी जो प्रसंग कर रहा था, महमूद गजनवी ने देश को 17 बार लूटा। सोमनाथ के मंदिर पर जब उसने हमला किया था तो उसने देखा कि 1000 शायद बड़े बड़े थंबों थे, थंबों सोने के थंबों से वो सोमनाथ का मंदिर बना था, और उसमें चुंबक के सहारे शिवलिंग रखा था। सारा समाज कहता था कि देखिए ये तो साक्षात परमात्मा है, बिना किसी आधार के टिके हुए। 1000 पंडे मंत्र पढ़ करके शिवलिंग की स्तुति करते थे, और उस शिवलिंग को हीरे मोतियों से जवाहरातों से जड़ा हुआ था। जैसे ही उसने एक चुंबक को गिराया, मूर्ति टूट कर गिर पड़ी, और न जाने इतने हीरे जवाहरात को ऊंटों पर लाद कर ले गया। आप सोचिए जितने करोड़ों अरबों के हीरे जवाहरातों से उस सोमनाथ मंदिर बनाया था, उतना पैसा यदि विश्वविद्यालय बनाने में लगाया गया होता तो उसमें भी कोई चाणक्य पैदा होता, कोई चंद्रगुप्त पैदा होता जो गजनवी का मुकाबला कर सकता। लेकिन वो तो पंडित थे, केवल घंटी घड़ियाल बजाने वाले, और एक देवदासी के पीछे मुख्य पुजारी के लड़के ने षड्यंत्र करके मंदिर के अंदर जाने का भेद बताया था, जिससे गजनवी अंदर पहुँच सका था और सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ा जा सका था।
मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कहूँगा कि जब तक यह समाज अपने अतीत की ओर लौटेगा नहीं, वेद शास्त्रों के पठन पाठन की तरफ नहीं लौटेगा, तारतम वाणी के प्रकाश की तरफ नहीं लौटेगा, जब तक समाज में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावे समाज को आक्रमण बनाते रहेंगे और उसमें रहने वाले साधु महात्मा पंडित पुजारी कभी भी धर्म की राह पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मंदिर की क्रिया पद्धति ही ऐसी होती है जिसमें केवल चढ़ावा ही रहता है, ध्यान की प्रक्रिया हट जाती है। बहिर्मुखी उपासना मनुष्य को कभी भी साक्षात्कार नहीं करा सकती। अब देवचंद जी सन्यासियों के पास जाते हैं, उनकी भेंट होती है दत्तात्रेय मत के अनुयायियों के पास, अनुयायियों के साथ। दत्तात्रेय एक योगेश्वर हैं, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ने अनुसुईया जी को आशीर्वाद दिया था जिसके कारण उनका जन्म हुआ था और उनमें तीनों देवताओं का अंश माना जाता है। इन्हीं दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, जिससे शिक्षा मिली उसको अपना गुरु मान लिया, ये योगेश्वर है। इन्होंने एक वेश्या को भी अपना गुरु बना लिया, देखा कि ये वेश्या आधी रात को व्याकुल होकर अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है। सोचते हैं कि यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, जितनी व्याकुलता इस वेश्या के अंदर अपने प्रेमी से मिलने की है, वही व्याकुलता यदि मुझमें परमात्मा से मिलने की हो जाए तो बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने सबसे जान लिया, अजगर से भी जान लिया कि निश्चिंत होकर के बैठा रहता है, हाय हाय नहीं करता, ये भी मेरा गुरु है। सबसे जान ग्रहण किया और एक दिन योगेश्वर बने। सहस्त्रार्जुन को उन्होंने ही आशीर्वाद दिया था कि उसके पास इतनी शक्ति आ गई थी कि उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं रह सका था, और उसी सहस्त्रार्जुन को परशुराम जी ने मारा था। कहने का तात्पर्य क्या है कि वे दत्तात्रेय के अनुयायी सन्यासियों के पास जाते हैं। सन्यासी लोग कहते हैं कि हम आपको अपना नाम देंगे, अपने संप्रदाय का नाम देंगे, मंत्र सुमिरन। सुमिरन का अर्थ क्या होता है? स्मरण। परमात्मा को कैसे स्मरण किया जाए, इसके लिए हम आपको अपना मंत्र देंगे, आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। देवचंद जी उनके साथ रहते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, योग साधना की प्रक्रिया सीखते हैं, लेकिन उनके मन को संतोष नहीं होता है, क्योंकि शुष्क साधना से वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। साधना का अर्थ क्या होता है? साध्य को पाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाए उसको कहते हैं साधना। आप चितवनी भी करते हैं तो यह भी एक साधना है, वाणी का चिंतन करते हैं तो वह भी एक साधना है। साधना का तात्पर्य केवल योग साधना नहीं। आप इसके पश्चात वे कनफटे योगियों के पास जाते हैं। कनफटे योगी गुरु गोरखनाथ के अनुयायी थे, आज भी देखते हैं ये हठ योगी जगह जगह देश में मिल जाते हैं। इन्होंने अपने कानों को फड़वाया होता है, उसमें बाले, बड़े बड़े बाले पहनते हैं, हठ योग की साधना करते हैं, और कच्छ देश में उनका बहुत अधिक प्रभाव था। जब देवचंद जी जाकर के देखते हैं कि ये तो राजगुरु कहलाते हैं। राजगुरु किसको कहते हैं? जो वहाँ के राजा के गुरु कहलाते हैं, उनकी भी जाकर के सेवा करते हैं, उनका भी दीक्षा मंत्र लेते हैं, उनके द्वारा बताई हुई पद्धति से वो भी ध्यान करते हैं। हठ योग की सारी क्रियाएं उन्होंने सीखी, नेति धोति वस्ती सब सीखते हैं, जैसा वो कहते हैं सब करते हैं, लेकिन संतोष नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि का लक्षण क्या है? वो खोजे अपने आप को और खोजे अपने घर, स्वयं को जानना चाहती है, अपने मूल घर को देखना चाहती है। जब परम नाम दिख नहीं रहा, युगल स्वरूप दिख नहीं रहे, अपनी परात्म का श्रृंगार नहीं दिख रहा है, तो वो हठ योग की सिद्धियां लेकर या पतंजल योग दर्शन की सिद्धियां लेकर के वो क्या करेगी? इसलिए वहां से भी उनका मन हट जाता है और अपने गुरुदेव को प्रणाम करके चल देते हैं कि गुरुदेव जी मुझे कहीं और जाने की इच्छा है। देखिए संसार सो रहा है, एक 16 वर्ष का बालक घूम रहा है कि मुझे अपने जिज्ञासाओं का समाधान चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे ऐसा ज्ञानी गुरु चाहिए जो बताए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। सत्य की प्राप्ति के लिए कठोर कष्ट उठाने पड़ते हैं, दृढ़ संकल्प करना पड़ता है।
जो भी महान हुए हैं उन्होंने सारी बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। राजकुमार सिद्धार्थ भी तो 28 वर्ष की उम्र में निकले थे, सुकोमल शरीर है, कभी धूप का कष्ट नहीं देखा था, कभी वर्षा का कष्ट नहीं देखा था। 6 वर्ष तक एक वृक्ष के नीचे रह जाते हैं, धूप शीत वर्षा सब कष्ट झेलते हैं। खाने के लिए जो भिक्षा में कोई ला देता है वही खा लेते हैं। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया है लेकिन निराशा नहीं। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी भी 19 वर्ष की अवस्था में निकले, कई वर्षों तक घूमते रहे सत्य की खोज में। पेट पीठ में धंस गया है, कई कई दिन खाना नहीं मिल रहा है, यहां तक ऐसी स्थिति आई कि कमर में लंगोट भी नहीं रह गई। जब संसार आराम से खा रहा होता है, सो रहा होता है अपने कोमल गद्दों पर, उस समय परमात्मा की खोज में भटका हुआ प्रेमी तरह तरह के कष्ट उठा रहा होता है। न उसे भूख प्यास की चिंता है, न उसे शयन कक्ष की चिंता है, न सम्मान अपमान की चिंता है। वो जंगलों में भटकता है, गांव गांव भटकता है, लोगों के ताने सुनता है, किस लिए? कि अपने प्राणेश्वर को पाले। अब श्री देवचंद जी वहां से कापड़ी वैरागियों के पास जाते हैं, कपालिक वैरागी। कपालिक एक तांत्रिकों का एक संप्रदाय कहलाता है, जो मनुष्य की खोपड़ी लिए रहते हैं, शमशान में रहते हैं और तरह तरह की चमत्कारिक सिद्धियां दिखाया करते हैं। उनके पास भी गए कि हो सकता है इनके पास कोई आध्यात्मिक तत्व ज्ञान हो, लेकिन देखा कि ये तो केवल तांत्रिक चमत्कारिक क्रियाएं दिखाकर समाज को लुभाए रहते हैं, इनके पास आध्यात्मिक तत्व ज्ञान नहीं है। अब थक हार कर एक मुल्ला जी के पास भी चले जाते हैं। देखा कि मुल्ला जी 5 बार नमाज पढ़ते हैं, उसी में सब कुछ मान लिया है, कोई त्याग नहीं, कुछ नहीं, बस सुर मचाना ही उनकी सबसे बड़ी भक्ति है। अब वहां से पुनः कच्छ को छोड़कर भोजनगर आ जाते हैं। कच्छ के उस भाग में, कच्छ देश में 4 वर्षों तक से देवचंद जी तरह तरह के संप्रदायों में विद्वानों से मिलते रहते हैं, केवल इस जिज्ञासा से कि मेरी शंकाओं का कोई समाधान कर दे, मुझे प्रियतम से मिला दे। गुरु नानक देव जी ने भी तो कभी कहा था, कोई आन मिलावे प्रीतम प्यारा, मैं जिंदे हथ भी कहूं, कोई मुझे उस प्राणेश्वर से मिला दे तो मैं जीते जी उसके अधीन हो जाऊं। लेकिन जब खोज में कोई चलता है तो कोई बिरला होता है जिसको सही समय पर सच्चा प्रदर्शक मिल जाता है, और चाहे कितना भी बड़ा योगी क्यों ना हो, जब तक कोई पथ प्रदर्शक सच्चा नहीं मिलता तब तक परिश्रम का ज्यादा फल नहीं मिलता। और सब चीजों में तो चल सकता है लेकिन ध्यान मार्ग में, योग मार्ग में बिना पथ प्रदर्शक के की गई साधना पूरा फल नहीं दे पाती। अब श्री देवचंद जी भोजनगर में आते हैं, वहां उनकी भेंट हरदास जी से होती है। हरदास जी को देखते हैं कि हरदास जी में कुछ विशेषता है। अब तक जितने भी महात्माओं से मिले थे, योगियों से मिले थे, विद्वानों से मिले थे, उनमें कुछ न कुछ संसारिक कामनाएं होती हैं, सुख की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, लेकिन हरदास जी निराले थे। हरदास जी में कोई स्वार्थ की भावना नहीं, उनका निवास मंदिर के ऊपरी भाग में था। नीचे उन्होंने देखा कि बांके बिहारी की और बाल मुकुंद की 2 मूर्तियां पधरा रखी। उनकी निष्ठा इतनी है कि गर्मी में वे अपने मंदिर को शीतल रखते हैं और जाड़े में गर्म रखते हैं। वो मूर्ति को मूर्ति नहीं मानते, उनमें भावना करते हैं कि ये हमारे साक्षात बाल मुकुंद हैं और बांके बिहारी हैं। बाल मुकुंद किसको कहते हैं? आजकल जिनको लड्डू गोपाल कहते हैं ना, कृष्ण का छोटा रूप, जिनके हाथ में लड्डू है, वो बाल मुकुंद, और बाकी बिहारी जो रास बिहारी कहलाते हैं। मूर्तियों की भावना करना अलग की बात है। कभी रामकृष्ण परमहंस ने भी काली के अंदर मां की भावना की, परमात्मा की भावना की, उस भावना से सेवा करते रहे,
लेकिन जब तक उनकी समाधि नहीं लगी तब तक उनको भी साक्षात्कार नहीं हो सका। इसलिए आप सोनों की ईंटों से कोई मंदिर बना दीजिए, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ सिंहासन बना दीजिए, तो भी जब तक आपका हृदय पवित्र नहीं होगा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। यदि सोने चांदी हीरे मोतियों के मंदिर बनाने से परमात्मा से मिलन हो जाता तो अमेरिका वाले सारे अरबपति जितने लोग हैं सब मंदिर बनाते हैं, परमात्मा को बैठा लेते। परमात्मा को धन से नहीं खरीदा जा सकता, परमात्मा को पाने के लिए प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए। योग दर्शन में क्या लिखा है? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, परमात्मा पर अटूट समर्पण अटूट श्रद्धा ही उनसे साक्षात्कार कराती है। यदि आपने हीरे मोतियों का कोई महल नुमा मंदिर बना लिया और सोचते हैं कि परमात्मा यहाँ आकर के बैठा रहेगा तो गरीबों को कौन पूछेगा? बेचारे गरीबों को जिनको समाज दलित कहता है उस मंदिर में तो प्रवेश ही नहीं मिल सकता। आज भी तिरुपति मंदिर में जाइए तो जितने वीआईपी होते हैं उनकी अलग पंक्ति लगती है, गरीबों की अलग पंक्ति लगती है। द्वारिकाधीश में यदि आपके पास पैसा नहीं है तो वहाँ दर्शन भी नहीं मिल सकता। तो इसका तात्पर्य तो यह है कि परमात्मा भी धनवानों के अधीन है, गरीबों को उनके यहाँ भी कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। परमात्मा मंदिरों में नहीं, मस्जिदों में नहीं, गिरजाघरों में नहीं, गुरुद्वारों में नहीं। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि परमात्मा किसी मंदिर में रहता है। यह लिखा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से तिष्ठति अर्जुन, हृदय मंदिर में मिलेगा। आप किसी भी मंदिर में जाइए आपका हृदय पवित्र नहीं है तो आप उसको नहीं पा सकते। ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलो, ब्रह्मात्मा का दिल ही उसका धाम होता है। यदि हम अपने हृदय में अटूट श्रद्धा नहीं, अटूट समर्पण नहीं, प्रेम नहीं, तो हम कहीं भी रह जाएं, सारी दुनिया में घूम आए, हमको कभी भी परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। आज हिंदू समाज के जितने तीर्थ हैं, चाहे मुस्लिम समाज के तीर्थ क्यों न हो, कहीं भी जाइएगा तो वहां भी तो पांच तत्व ही तो दिखाई देंगे। आप चारों धाम हो आइए, अयोध्या काशी मथुरा सात आज सातों पुरियों में हो आइए, रामेश्वरम हो आइए, जगन्नाथपुरी आइए, हो आइए बद्रीनाथ आइए, हो आइए, वहां भी क्या मिलेगा? मूर्तियां ही तो मिलेगी। परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां भूखों मरती हैं और मनुष्य की बनाई हुई मूर्तियां छप्पन भोग खाती हैं, उनको दूध से नहलाया जाता है। परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां खुले आकाश में सोती हैं और मनुष्य की बनाई हुई मूर्तियों को सोने के सिंहासनों पर चांदी के सिंहासनों पर रखा जाता है। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। यदि हम सारी मानवता में ज्ञान का प्रकाश नहीं फैला सकते तो राजमहलों जैसे मंदिर बना बनाकर उसमें मूर्तियां बैठाकर हम धर्म का समाज का कभी भी कोई भला नहीं कर सकते। देखा जाए वाणी में कहीं मूर्ति पूजा का विधान नहीं, चारों वेदों में छह शास्त्रों में 11 उपनिषदों में 1127 शाखा ग्रंथों में गीता में कहीं भी मूर्ति पूजा का विधान नहीं, लेकिन आज सारा हिंदू समाज मूर्ति पूजा में लगा हुआ है। क्योंकि मूर्ति पूजा क्या है? धन कमाने का साधन है। एक नगर के बीच में मंदिर बना दीजिए तो आप कुछ वर्षों में करोड़पति बन जाएंगे। तो लोग क्यों छोड़ना चाहेंगे मूर्ति पूजा? श्रद्धा का व्यापार हो रहा है, धर्म के नाम पर श्रद्धा को खरीदा जा रहा है, केवल मूर्ति के नाम पर। लेकिन जब यही कहा जाता है कि यहाँ कोई धार्मिक गुरुकुल खोलिए, धार्मिक विश्वविद्यालय बनाइए जिसमें समाज का हर व्यक्ति आकर के शिक्षा प्राप्त कर सके, तो इसमें कोई भी आगे नहीं आता। क्योंकि सोचते हैं जब ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो ये हमारा आडंबर नहीं चलेगा। परम धाम की ब्रह्मवाणी उतरी है ज्ञान के प्रकाश के लिए, सबको यह बताने के लिए कि युगल स्वरूप क्या है, परम धाम क्या है। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारे समाज में भी देवचंद जी की मूर्ति बनाकर उस पर दूध से नहलाया जाता है, उसे क्या उपलब्धि होगी? क्या वाणी में वितक में कहीं लिखा है कि मूर्तियां बनाओ फिर दूध से नहलाओ
तो कल तो राज्य समाधि की भी मूर्तियां बनानी शुरू हो जाएंगी और शुरू भी हो गया है। तो राज्य समाधि की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र कहाँ से लाएंगे? हो सकता है इसका भी मंत्र निकाल लिया जाए, चौपाई बोलकर राज्य समाधि के प्राण हम डालने लगे, कितना अनर्थ होगा। अभी तो वाणी को सिंहासन पर पधराया गया है तो हमारा समाज चल रहा है। जिस दिन मूर्ति पूजा आ जाएगी उस दिन वाणी और प्राण नाची की महिमा किनारे हो जाएगी और हमारा समाज अंधेर में डूब जाएगा। इसलिए इसी मूर्ति पूजा ने हिंदू समाज को हजार वर्षों तक गुलामी की जंजीर में जकड़े रखा। जब तक ये मूर्ति पूजा रहेगी तब तक इस देश में धर्म की शिक्षा नहीं फैल पाएगी। बड़े बड़े योगी यति तपस्वी नहीं पैदा हो पाएंगे, न परमहंस हो पाएंगे। अब देवचंद जी सब जगह जा रहे हैं लेकिन हरदास जी कुछ अलग है। भले ही वो मूर्ति पूजा करते हैं लेकिन उनकी पूजा पद्धति मानसिक है, क्योंकि वो राधा वल्लभ मार्ग के अनुयायी है और राधा वल्लभ मार्ग में हर व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री अपने को सखी भाव में मानता है कि मैं ब्रज की गोपी हूं और उसी भाव से बालमुकुंद और बांके बिहारी की मूर्तियों को रखकर उसी भावना से सेवा करते हैं। सेवा अलग है, पूजा अलग है। मानसिक पूजा अलग है, जैसे सुंदर साथ कहीं बाहर जाता है तो उसको मूर्ति की जरूरत नहीं है। वो संध्या आरती कहीं ट्रेन में भी बैठे बैठे बोल लेता है कि राज्जी, वो परिक्रमा भी बोलेगा, भोग भी लगा लेगा, उसके पास कुछ नहीं है लेकिन मानसिक भाव में डूब गया और अपने राज्य को रिझाल लेता है। राधा वल्लभ मार्ग में भी ये प्रक्रिया अपनाई गई कि राधा कृष्ण की मूर्तियों को प्रतीक रूप में रखा गया और जैसे गोपी कृष्ण को रिझाती थी ब्रज में, उसी तरह से ये प्रक्रिया अपनाई गई कि इस पंथ का हर अनुयायी राधा कृष्ण को उसी भाव से माने और रिझाए। देवचंद जी हरिदास जी से बहुत प्रभावित होते हैं और उनके चरणों में अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं। जब से देवचंद जी घर से बाहर निकले थे उनके पिता मत्तु मेहता जी बहुत दुखी रहते थे क्योंकि एक ही तो पुत्र था। चारों तरफ उन्होंने अपने आदमी भेज रखे थे कि कहीं से भी कोई पता चले, और मत्तु मेहता पहले से ही हरिदास जी से दीक्षित थे। जब उनको पता चला, क्योंकि हरदास जी ने सूचना भिजवा दी मत्तु मेहता के पास कि आपका बेटा देवचंद मेरे पास आया है, तो मत्तु मेहता भागते हुए आए। बहुत अधिक समझाया देवचंद जी को कि देवचंद जी तुम घर चलो, वहां रहकर तुम्हें जो कुछ करना हो करना, लेकिन वो मानने वाले कहाँ थे। समझा समझा कर जब थक गए तो मत्तु मेहता ने निर्णय लिया कि मैं भी यहाँ आकर के बस जाऊँ और वही करना पड़ा। उधर श्री देवचंद जी की अटूट निष्ठा है सेवा के प्रति, सेवा भाव से होती है। जब तक मनुष्य सेवा नहीं करता तब तक उसका अहंग नहीं जाता। करोड़पति को भाव रहेगा कि मैं करोड़पति हूं, विद्वान को भाव रहेगा कि मैं विद्वान हूं, लेकिन सेवा कौन करेगा जिसने अपना अहंग विसर्जित कर दिया है। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। देवचंद जी ने यह निर्णय ले लिया है कि यदि मुझे सत्य की खोज करनी है मुझे साधना भी करनी पड़ेगी, सेवा भी करनी पड़ेगी, और वे हरदास जी के पास रहकर सब कुछ करते हैं। हरदास जी मंदिर में सफाई करते हैं, देवचंद जी साथ रहते हैं, हर कार्य को पहले करने का प्रयास करते हैं, उनसे कोई कहता नहीं है। लेकिन इतनी निष्ठा है कि रात को 12 बजे सोते हैं, यानी रात के दोपहर तक रहते हैं हरदास जी के पास, 12 से 3 बजे तक सोते हैं और 3 बजे फिर उठ करके आ जाते हैं, परिक्रमा करने लगते हैं। यह उनकी निष्ठा है। आप सोचिए छोटी सी अवस्था,
22-23 साल की अवस्था में इतनी कठोर साधना, केवल 3 घंटे की निद्रा, दिन भर सेवा करना, मंदिर में जो भी कार्य, चर्चा सुनना, सत्संग सुनना, पूजा सेवा पूजा करना, फिर सवेरे आकर के परिक्रमा करना। देवचंद जी उनकी सेवा भावना पर रिच जाते हैं। देवचंद जी की सेवा भावना पर रिच कर हरदास जी सोचते हैं कि इनको मंत्र दे दे, और मंत्र देने के लिए उन्होंने कहा कि देवचंद जी अमुक इस तिथि को शुभ दिन पड़ रहे हैं, तुम भद्रवास होकर के आना। भद्रवास होना यानी सिर मुड़वा कर आना, दाढ़ी दाढ़ी मूछ सिर से मुड़वाना, ये भद्रवास कहलाता है। उधर उनके पिताजी सोचते हैं कि मेरा एक ही तो बेटा है, यदि विरक्त हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा तो वंश टूट जाएगा, इसके वैराग्य को हटाने के लिए इसका विवाह कर देना चाहिए। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता बच्चों से पूछते नहीं थे, उन्होंने देवचंद जी से पूछे बिना विवाह की भी तिथि तय कर दी, और संयोग से वही तिथि हुई जिस दिन दीक्षा लेने की तिथि थी, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार जो फलित ज्योतिष है उसने हिंदू समाज का बेड़ा बहुत गर्व किया। मोहम्मद गजनी ने जब आक्रमण किया था तो पंडों ने कहा ज्योतिषियों ने कि अभी आपके आक्रमण करने का समय नहीं हुआ है, हिंदू राजा अपनी सेना लेकर खड़े रहे और वो हमला करते रहे। बाबर ने इस देश पर हमला किया, राणा सांगा को ज्योतिषियों ने कहा कि आपके 4 महीने के बाद आपके आक्रमण करने का मुहूर्त है, और 4 महीने के अंदर बाबर ने सारा भारत ले लिया, देश गुलाम हो गया। आज भी वही प्रक्रिया है, हिंदू समाज ने कुछ नहीं सीखा। ये टीवी पर आजकल ज्योतिष का बहुत अधिक प्रचार हो रहा है, यह फलित ज्योतिष धर्म को संस्कृत को सबको डुबोने वाला है। सबके नाम रखे जाते हैं, आप कोई भी नाम रखें 52 अक्षरों में ही तो सबका नाम रखा जाएगा, 16 स्वर 36 व्यंजन। आप अपना नाम स्वर में रखिए, व्यंजन में रखिए, और जितनी राशियों का नाम लिखा जाता है कि आपकी तुला राशि है, आपकी मेष राशि है, आपकी वृश्चिक है, गणित के आधार पर कुछ फल दे दिए जाते हैं कि आपका यह होगा आपका यह होगा, ये सब गलत है। मनुष्य का जो भी भाग्य होता है उसका पुरुषार्थ निर्णय करता है, पुरुषार्थ के अनुसार कर्म के अनुसार ही भाग्य बनता है, भाग्य कहीं से टपक करके नहीं आता। लेकिन आज हर व्यक्ति पेपर निकालता है तो पहले राशि फल देखता है। वेद क्या कहते हैं, अयम मे हस्तो भगवान, या मेरा हाथ ही भगवान है, अयम मे भगवत्तर, अयम मे हस्तो विश्व भेषो, अयम शिव अभिमर्शन, या मेरा हाथ संपूर्ण विश्व की औषधि है, या मेरा हाथ ही कल्याण करने वाला है। पुरुषार्थ को हमने छोड़ दिया, भाग्य के भरोसे रहते हैं। हमारा भाग्य यदि ज्योतिषी बता सकता है तो ज्योतिषी अपने भाग्य का निर्माण स्वयं क्यों नहीं कर लेता। ज्योतिषी को खुद पता नहीं कि हमारे घर कल को क्या होने वाला है। इसलिए अब जो राशि फल इतना सही है तो बताइए राम और रावण की राशि एक होती है कि नहीं, मुलायम और मायावती की राशि एक होनी चाहिए, कृष्ण और कंस की राशि एक होनी चाहिए, लेकिन ये सारे एक कट्टर दुश्मन। राशि फल पर कभी ना जाइए। आजकल एक और आडंबर चला है, कोई लड़की लड़का मंगली हो गए तो उनका विवाह होना कठिन हो जाता है। मंगल का मंगली का अर्थ क्या है, मंगलमयी, वो तो और अच्छी बात है। ज्योतिषी महाराज से पूछिए कि क्या करना होगा, कहेंगे कि 5000 रुपया खर्च कीजिए तो जो अशुभ होगा हम ठीक कर देंगे, ये सब आडंबर है। मांगलिक लड़का हो या लड़की हो, ये सब आडंबर है। फलित ज्योतिष ने इस देश को समाज को गर्त में ढकेल दिया। लेकिन उस युग की जैसी परंपरा थी, विवाह आजकल मुहूर्त देख करके होता है, एक ही दिन कई विवाह पड़ते हैं और कोई भी वस्तु कई गुनी महंगी हो जाती है, और हिंदू बेचारा डर के मारे कि कुछ अशुभ न हो जाए महंगे महंगे सामान खरीदेगा। 4 दिन तक शादी नहीं होगी और शादी की डेट पड़ेगी सबकी एक ही जैसी, लेकिन सबको दहशत है कि हम तिथि से अलग होंगे तो नुकसान हो जाएगा, ये कितना अशुभ विचार है।
मैं तो सोचता हूँ कि ज्योतिष के अनुसार जो सबसे खराब मुहूर्त हो, मैं जानबूझकर कोई भी कार्य उसी दिन प्रारंभ करता हूँ। जब अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम कह दिया तो अशुभ भी शुभ हो जाना है। आप शुद्ध हृदय से प्रीतम अक्षरातीत का नाम लेकर कार्य प्रारंभ कीजिए, सब शुभ होगा। जब सातों दिन, बारह महीने सब कुछ उसी ने बनाए हैं, शुभ और अशुभ की कल्पना कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपकी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, अपनी वाणी से कट वचन न बोलिए। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। सबके प्रति कल्याण की भावना रखिए और किसी भी समय कोई कार्य कीजिए, सब शुभ ही शुभ है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ज्योतिष के आडंबर ने जो क्षति पहुंचाई है उसकी भरपाई होनी बहुत मुश्किल है। इसी ज्योतिष ने, इसी पौराणिक अंधविश्वासों ने, जड़ मूर्तियों ने इस देश को हजार सालों तक गुलाम बनाए रखा और अभी भी देश काफ़ी कुछ गुलाम बना हुआ है। आज भी लोग फलित ज्योतिष के पीछे भागे जाते हैं। पढ़े लिखे लोग जो कई विश्वविद्यालयों से डिग्रियां प्राप्त कर चुके हैं, वो भी ज्योतिषी के पास जाकर के दिखाते हैं, मेरा हाथ देखिए, मेरा भाग्य देखिए। वेद कहता है अपने भाग्य को अपने पुरुषार्थ से बदल डालो। महान जो भी पुरुष हुए हैं उन्होंने अपने पुरुषार्थ से भाग्य को बदला है। भगीरथ ने हिमालय से गंगा को लाए, कहीं पुराण में लिखा है कि पहले ज्योतिषी के पास गए होंगे दिखाने के लिए कि क्या मैं गंगा को ला पाऊंगा कि नहीं। राम ने समुद्र पर पुल बांधा तो क्या वशिष्ठ जी से पूछने गए थे कि आप बताइए मुहूर्त निकालिए। कृष्ण जी ने मथुरा से द्वारिका चुपके से गए तो क्या मुहूर्त देखा। महाभारत का क्या मुहूर्त देखा गया था। सीता का विवाह हुआ तो क्या मुहूर्त देखा गया था। ये सब आडंबर है। इसलिए समाज को चाहिए कि मुहूर्त देखने वाली प्रक्रिया सारी कुछ बंद करें, परिस्थिति के अनुसार जो समय हो शुद्ध हृदय से परमात्मा की आराधना करके कार्य प्रारंभ कीजिए, सब शुभ होता जाएगा। तब हरदास जी देवचंद जी को बुला करके दीक्षा देते हैं, कहते हैं कि देवचंद, यह मेरा मंत्र है, भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी, परम योग माया के महाराज के अंदर जो कुंज निकुंज है उनमें नित्य विहार करने वाले राधा कृष्ण की का तुम्हें ध्यान करना है और सखी भाव होए भजियो भरतार। तुम यह मानना कि मैं भी रास विहारी की अर्धांगिनी हूं, मैं रास की गोपिका हूं और उसी भाव से तुम्हें राधा कृष्ण की आराधना करनी है। यह दीक्षा उन्होंने दे दी। इधर दीक्षा लेकर के श्री देवचंद जी जैसे घर आते हैं तो पिताश्री का पारा सातवें आसमान पर, क्योंकि वो देखते हैं इसने तो सिर मुड़ा लिया है। कहते हैं कि आज तुम्हारे विवाह का दिन है, तुम्हारे सिर पर पाग होनी चाहिए, मुकुट होना चाहिए और तुमने ये क्या कर रखा है, सिर ही मुड़वा लिया है। क्योंकि पौराणिक कर्मकांड में पिता किसी का कोई देह त्याग होता है तो सब लोग सिर मुड़वाते हैं, वैदिक कर्मकांड में कहीं सिर मुड़ाने का प्रसंग नहीं है। और सारा हिंदू समाज एक और बुराई में फंसा है कि मरने के बाद पूरे क्षेत्र को बुला करके भोजन कराओ, चाहे घर बेचना पड़े। जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक एक गिलास पानी नहीं देते और मरने के बाद श्राद्ध के नाम पर पूरा, चाहे घर बेचो, जमीन बेचो, पूरे क्षेत्र को खिलाओ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। ये भी अंधविश्वास है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक जब तक माता पिता जीवित हैं, घर के संबंधी हैं, तब तक सेवा करना जिससे वो तृप्त हो जाए, इसको कहते हैं तर्पण। मरे हुए का श्राद्ध नहीं होता और न मरे हुए के श्राद्ध में कभी खाना चाहिए न कभी करना चाहिए। उस समय कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके सिर मुड़वाए जाते थे। उनके पिताजी मतु मेहता को इसी बात पर क्रोध आया कि आज तुम्हारा विवाह का दिन है, तुमने सिर मुड़वा लिया। दोनों में बहुत बहस हुई। देवचंद जी कहते हैं कि पिताश्री, मैं विवाह नहीं करना चाहता, जिससे मुझे विवाह करना था उससे तो मैंने कर लिया, मैंने बांके बिहारी से अपनी आत्मा का संबंध जोड़ लिया है, आप क्यों मुझे इस जाल में फंसाना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका एक ही कहना होता है कि मेरे बाल सिर के ऐसी धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं,
जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं उनकी बात तो भाई सबको माननी ही पड़ती है, लेकिन वो तो खूंटा गाड़ देते हैं कि जो मैंने कह दिया कि सूरज पश्चिम में उगता है तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और बेचारे देवचंद जी क्या करते, पिता की आज्ञा को कैसे ठुकरा सकते थे, जबरन विवाह कर दिया। लेकिन विवाह होने के बाद भी उनका मन घर में नहीं लगता है, वो अपनी दिनचर्या वैसे ही बनाए हुए हैं, 12 बजे सोना, 3 बजे उठकर। पुनः देवचंद जी हरदास जी के यहाँ सेवा करने लगते हैं। सेवा करते करते एक दिन ऐसा समय आता है जब वे सेवा कर रहे होते हैं, चार आदमी एक व्यक्ति को लेकर आते हैं, ये खाट पर लिटा करके जो मरणासन होता है उसको भयानक बिच्छू ने काट लिया होता है, डंक मारा होता है, वो उसके उनके पास रख देते हैं और कहते हैं कि देखिए आप ही इसको जीवन दे सकते हैं। हरिदास जी को मंत्र सिद्धि थी, वे अपने मंत्र के प्रभाव से उस बिच्छू का विष उतार देते हैं, उस मंत्र को पढ़ते हैं, मूंछों पर हाथ फेरते हैं, 2-3 बार करते हैं, बिच्छू का विष उतर जाता है और वो व्यक्ति उठ करके बैठ जाता है। जो लोग आए होते हैं कहते हैं कि आप तो हमारे लिए परमात्मा के समान हैं, क्योंकि यदि आपकी कृपा नहीं होती तो ये व्यक्ति तो मर जाने वाला था। देखिए मंत्र शक्ति में क्या होता है, संकल्प शक्ति का प्रयोग होता है। किसी तिथि को, पवित्र तिथि को जो पौराणिक मान्यता में है, मंत्र का जप किया जाता है, जप से दृढ़ता आ जाती है और जब संकल्प का प्रयोग किया जाता है तो वह कार्य हो जाता है। कोई जो योग सिद्ध योगी होते हैं जो ध्यान समाधि करते हैं वो मंत्र का जप नहीं करते, लेकिन उनके मुख से जो निकलता है आशीर्वाद हो या श्राप हो अवश्य फलित हो जाता है। उसी तरह से एक सामान्य व्यक्ति भी जब मंत्र का जप करता है तो उसकी मनन शक्ति कार्य करने लगती है, उसकी आत्मिक शक्ति उसमें मंत्र शक्ति के रूप में कार्य करने लगती है और वो फलीभूत हो जाता है। मैंने खुद देखा है अपने हीरालाल महात्मा जी के सामने, उन्होंने एक बिच्छू को हाथ पर लिया मेरे सामने, उस बिच्छू ने कई बार डंक मारा, काला बिच्छू था बहुत बड़ा और वो हंसते रहे। मैंने पूछा कि आपने क्या किया है, तो कहा कि कुछ नहीं, 20 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती मैंने 108 या कितनी बार अमावस्या को सिद्ध कर लिया है, अब ये कितना भी मारेगा तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। मन में संकल्प कर लीजिए कि ऐसा हो तो ऐसा ही हो जाएगा। जितने मंत्र हैं, चाहे सर्प का मंत्र हो, बिच्छू का मंत्र हो, उसका अर्थ देखिए तो कोई विशेष बात नहीं है, मन की संकल्प शक्ति ही वैसे कार्य करती है। आपको ये सब सिद्धियाँ नहीं करनी है, ये तो प्रसंग आया तो मैंने बता दिया। हाँ एक छोटी सी औषधि बता देता हूँ, यदि बिच्छू ने किसी को काटा हो उस पर मूली का रस डाल दीजिए तो बिच्छू का विष तुरंत उतर जाएगा, और बिच्छू के ऊपर मूली का रस डालेंगे तो हो सकता है बिच्छू मर जाए। मैंने पढ़ा है, प्रयोग नहीं किया है कि क्या सच्चाई है, और जिसने लिखा है उसने दावे से कहा है कि ये बात बिल्कुल सच है। अभी प्रसंग चल रहा था, जैसे वो व्यक्ति चला गया जिसको बिच्छू ने डंक मारा था, हरिदास जी कहते हैं कि देखो देवचंद, इस मंत्र को मैं छिपा कर रखा हूँ, किसी को आज तक सिखाया नहीं, मैं चाहता हूँ कि यह मंत्र तुमको सिखा दूँ ताकि किसी को बिच्छू ने डंक मारा हो तो तुम इसका भला कर सको। देवचंद जी कहते हैं कि गुरु महाराज ये बताइए, आपने जो मुझे भवसागर से पार होने का मंत्र दिया है, इस संसार के जन्म मरण में तो लाखों बिच्छुओं का कष्ट होता है, भव से पार करने वाला जब मंत्र आपने भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास दे दिया है, तो इस एक कीड़े बिच्छू जैसे कीड़े से बचाने वाला मंत्र लेकर के मैं क्या करूँगा, मुझे मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। दंग रह गए हरदास जी देवचंद जी की सोच को देखकर, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने देवचंद जी की प्रतिभा को देखा था। जब दीक्षा लेने से पहले उन्होंने पूछा था कि देवचंद क्या तुमने किसी और सन्यासी से मंत्र लिया है, देवचंद जी ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैंने दत्तात्रेय मत के अनुयायियों से दीक्षा ले चुका हूँ। उन्होंने कहा कि देखो उनका मंत्र लिखो, एक रोटी बनाओ और रोटी में उस मंत्र को लिखकर किसी सन्यासी को दान कर दो तो उनका मंत्र उनके पास चला जाएगा। देवचंद जी कहते हैं कि महाराज
आपने जो मंत्र दिया है यदि उसमें अधिक शक्ति होगी तो मेरे हृदय से पहले वाला मंत्र ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन यदि आपका दिया हुआ मंत्र शक्तिशाली नहीं होगा यानी अखंड का ज्ञान देने वाला नहीं होगा तो पहले मेरे हृदय में जो मंत्र है वो निकल नहीं पाएगा किसी भी तरह से। हरदास जी सोच में पड़ गए कि कैसा विलक्षण बालक है, जितनी इसकी सोच है वहाँ तक तो मैं सोच भी नहीं सकता। समय गुजरता जाता है। देवचंद जी वैसे ही 3 बजे आकर पुनः परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गुरुदेव उठते हैं बाद में। आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं, आप में से किसी ने किसी महात्मा की कभी सेवा नहीं की है, शायद आपको नहीं मालूम है कि योग साधना सीखने के लिए जब कहीं जाना पड़ता है तो सब कुछ करना पड़ता है। बर्तन धोने पड़ते हैं, गुरुदेव के कपड़े धोने पड़ते हैं, झाड़ू लगाना पड़ता है, सारा कार्य केवल इसलिए कि हमको ज्ञान का प्रकाश मिल जाए। और देवचंद जी सब कर रहे हैं, किस लिए? सेवा करे न जनावी अपनी आत्म के कारण। सेवा करते हैं अपनी आत्मा को जागृत करने। सेवा करे न जनावी अपनी आत्म के कारण, दिखावे नहीं को काहू को समझावे अपना मन। सेवा वह है जो किसी को दर्शाई न जाए कि देखो मैंने इतनी सेवा कर दी, छिपा करके सेवा करना। आप सेवा कर रहे हैं तो उसको देखने वाले राज्य हैं, आप राज्य का ध्यान कर रहे हैं तो राज्य देख रहे हैं। आप दूसरों से मत बताइए कि मैंने इतना ध्यान कर लिया, मैंने इतना कर लिया, आपने कुछ नहीं किया। यदि आप ये कहते हैं कि मैंने इतना कर लिया तो ये तो आपके अंदर अहं की ग्रंथि पैदा हो गई। आप सेवा का आरोप दूसरों पर डालते हैं कि मैं इतना करता हूँ और कोई नहीं करता, तो सेवा पर प्रश्न खड़ा होता है। आप सेवा करिए और छिपा जाइए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, राज्य आप मुझे शक्ति दे रहे हैं तो मेरे तन से इतनी सेवा हो रही है, अन्यथा करने वाला मैं कुछ नहीं। जब यह भावना होगी तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। देवचंद जी वैसे ही करते हैं, 3 बजे आकर के परिक्रमा करते हैं। एक दिन हरदास जी देख लेते हैं कि देवचंद जी परिक्रमा कर रहे हैं 3 बजे ही। हरदास जी पूछते हैं कि कौन है, देवचंद जी कहते हैं कि गुरुदेव मैं हूँ। कहते हैं कि तुम इतने सवेरे कैसे आ गए? कहते हैं देवचंद जी कि मुझे भ्रम हो गया था कि उजाला हो गया है, इसलिए मैं चल पड़ा। उस जमाने में आजकल की तरह घड़ियां तो होती नहीं थी। हरदास जी ने सोचा कि चलो हो सकता है भूलवश आज आ गए हों, लेकिन ऐसा समय बीतता जाता है। देवचंद जी का तो प्रतिदिन का नियम था पूरे दिन वहाँ रहना, रात को 12 बजे तक रहना, 12 बजे सोना घर आकर और फिर 3 बजे चले जाना। आप सोचिए कितनी कष्ट साध्य साधना। पहले भी कच्छ में रहकर 4 वर्षों तक तरह तरह की साधनाएं कर चुके थे, 16 वर्ष की उम्र से साधना कर रहे हैं, 20-21 साल के हो जाते हैं तब आते हैं भोजनगर में। चढ़ती हुई युवा अवस्था है लेकिन शरीर के सुखों की तरह कोई चिंता नहीं, क्योंकि देह भरोसा ना करें पिया मिलन की आस। देवचंद जी को क्या चाहिए? उनको उनका प्राणेश्वर चाहिए, और इसमें उन्हें किसी तरह का समझौता नहीं किया संसार के सुखों से। अचानक एक दिन और हरदास जी नित्य क्रिया के लिए उठते हैं तो देखते हैं कि देवचंद जी तो आज भी परिक्रमा कर रहे हैं। अब वह कहते हैं कि इतनी सेवा का बोझ मेरे से नहीं सहन हो सकता, क्योंकि देवचंद जी नीचे मंदिर की परिक्रमा करते हैं और हरदास जी अपने परिवार के साथ ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। हरदास जी सोचते हैं कि मैं सोता रहता हूँ और ये परिक्रमा देवचंद जी करते हैं तो अपने इष्ट की करते हैं, लेकिन मैं भी तो उस घेरे में आ जाता हूँ, मैं क्यों ना इनको बालमुकुंद की मूर्ति दे दूँ। यह सोचा कि बालमुकुंद की मूर्ति दे दूंगा तो ये घर जा करके उनकी सेवा किया करेंगे, कम से कम मुझे तो इस गुनाह में शामिल नहीं होना पड़ेगा कि ये 3 बजे से लेकर परिक्रमा करना शुरू करें और मैं उस घेरे में बना रहूं। देवचंद जी को बुलाकर कहा कि देखो देवचंद,
उस दिन तो तुमने कह दिया कि गुरुदेव मैं भूल बस आ गया, मैंने सोचा कि उजाला हो गया है तो मैं चला आया था। तुम तो प्रतिदिन ही ऐसा करते हो, इसलिए तुम बालमुकुंद की मूर्ति ले जाओ और वहीं घर पर सेवा किया करना। देवचंद जी ने कहा कि जो आपका आदेश। अगले दिन जिस दिन देवचंद जी को आना था, हरिदास जी प्रातःकाल जाकर के मंदिर में देखते हैं कि बालमुकुंद की मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है। अब सोचते हैं कि मंदिर में ताला बंद था, बाहर का दरवाजा बंद है, मकान में कौन आया, क्योंकि रात के समय तो हमने और देवचंद जी ने मूर्ति को किसे शयन आरती करके पधराया था शयन के लिए, अब वो मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है। यह खबर पूरे परिवार में फैल गई। देवचंद जी भी व्यथित हो जाते हैं कि आखिर मूर्ति कहाँ गई। हरदास जी ने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था, बांके बिहारी की मूर्ति को बाल भोग यानी प्रातरास, प्रातः का जलपान बाल भोग कहलाता है, दोपहर का भोजन राजभोग कहलाता है, बाल भोग राजभोग लगा करके घर के परिवार के जो भी बच्चे थे उनको दे दिया गया और पूरा परिवार बिना एकादशी के एकादशी करने लगा, यानी निराहार रह गया। प्रण ले लिया हरदास जी ने कि जब तक बालमुकुंद जी दिखाई नहीं देंगे, बालमुकुंद जी की मूर्ति नहीं मिलेगी, तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। जब हरदास जी भोजन नहीं करेंगे तो देवचंद जी कैसे भोजन करने वाले थे। अब सेवा पूजा वैसी चल रही है, दुखी हैं हरदास जी, रात को दुखी अवस्था में चिंतन में बैठे हैं कि अचानक उनकी आंख मिच जाती है, आंख में जाने झपकी लग जाना। देखिए दर्शन में सबसे बड़ी बाधा क्या है, हमारे मन की चंचलता। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो मन पूरे वेग से अपना कार्य करेगा कुछ समय के लिए। आप पिक्चर देखिए, कभी नींद नहीं आएगी, ध्यान में बैठेंगे नींद आनी शुरू होगी, वाणी पढ़ना शुरू करेंगे झपकी लगना शुरू हो जाएगी। संसार का कोई बुरा कार्य कीजिए, कभी नहीं मन भागेगा, क्योंकि इसका अभ्यस्त हो चुका है, लाखों जन्मों से यह सारे काम करता आ रहा है, सोता रहा है, व्यसनों में लगा रहा है। लेकिन जब परमात्मा के ध्यान करने की बात आती है तो मन को अच्छा नहीं लगता जब तक उसको रस न मिल जाए। निद्रा एक अभिशाप भी है, निद्रा एक वरदान भी है। यदि किसी व्यक्ति को नींद ना आए तो उसका शरीर रोगी भी हो सकता है, इसलिए गीता में कहा गया है सम्यक आहार विहार होना चाहिए। जो बहुत अधिक सोते हैं उनको भी समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती, जो बहुत जागते हैं उनको भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ध्यान के समय नींद आने लगेगी। इसलिए न कम सोइए न अधिक सोइए। चिंता में तो थे हरदास जी, बैठे बैठे उनको झपकी लग गई, तो जागृत अवस्था में जो मन में विचार कौंध रहे थे वो शांत हो गए थे। और जिस लक्ष्य को लेकर मनुष्य सोता है, उठते ही पहले वही लक्ष्य नजर आता है। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, एक पहरेदार है, पहरे पर उसको बैठाया गया है, उसके हाथ में लाठी है, यदि उसको झपकी लग जाती है कोई आता है तो आंख खुलने से पहले वो झटके से अपनी लाठी उठाएगा। आप इसको अपने व्यवहार में आप जान सकते हैं, क्योंकि सोने से पहले लाठी को पकड़ करके वह सोया था। मैं इसलिए कहता हूं सुंदर साथ से, चाहे आप कितने भी थके हों, 5 मिनट भी सोने से पहले राज्य का ध्यान करके सोइए कि राज्य मेरे हृदय मंदिर में आइए, मेरी आंखों के सामने आइए, या कहकर कि आप सो जाएंगे, जब उठेंगे तो आपका पहला ध्यान राज्य की तरफ ही जाएगा। बीतक के इस घटनाक्रम से सबको सीख लेनी चाहिए कि हरिदास जी सोचते सोचते सो जाते हैं, पलंग पर नहीं सोए होते हैं, बैठे होते हैं, बैठे बैठे उनकी आंख झपक जाती है, जैसे ही झपक जाती है तो उनको ध्यान की प्राप्ति हो जाती है, ध्यान अवस्था लग जाती है।
एक होती है निद्रा, एक होती है योग निद्रा। योग निद्रा किसको कहते हैं? परमात्मा का ध्यान करते करते जब आपको हल्की सी निद्रा की अनुभूति हो जाए तो वो योग निद्रा कहलाती है। और आपने इतना तामसिक भोजन कर लिया है, गरिष्ठ भोजन, कि उस तमोगुण के कारण जो निद्रा आती है वो निद्रा कहलाती है। उसमें सब अर्ध निद्रा होगी तो सपने आएंगे, और सपने भी आएंगे तो संसार के आएंगे। हरदास जी ने उपवास किया था उस दिन, सोच रहे थे बालमुकुंद की मूर्ति कैसे अदृश्य हो गई। इसी चिंतन में पढ़ते पढ़ते उनको ध्यान की प्राप्ति हो गई, और उसी ध्यान अवस्था में साक्षात बालमुकुंद का उन्होंने दर्शन कर लिया। बालमुकुंद जी जैसे ही सामने आते हैं, हरदास जी बोलते हैं, प्रभु आप? कहा कि हाँ हरदास मैं हूँ। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम जिससे सेवा कर मेरी करवाना चाहते हो वो कौन है? वो राधिका जी हैं, बाल बांके बिहारी की अर्धांगनी। मैं इनकी सो तुमको इनके स्वरूप की भई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा ना सह सकूँ ना सह सकूँ एहसान। तुमको उनके स्वरूप की पहचान नहीं है, तुम तो उनको अपना शिष्य समझते हो, उनसे अपने बर्तन धुलवाते हो, अपने जूठे बर्तन धुलवाते हो, कपड़े धुलवाते हो, सेवा करवाते हो। तुमको नहीं मालूम कि उनके अंदर राधा जी की आत्मा है, इसलिए यदि वो तुम सेवा करना तुम अपना भला चाहते हो तो एक तो जो तुमने सेवा कराकर अपना अपराध अपने सिर पर जोड़ लिया है, उनके चरणों में अपना सिर झुकाकर अपने अपराध की क्षमा मांगना, और दूसरे यदि देवचंद जी दुखी होते हैं मूर्ति के न मिलने से तो उनको बांके बिहारी के वस्त्रों की सेवा दे देना। यह कहकर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और इसके पश्चात उनकी आंखें खुल जाती हैं। आंखें जब खुलती हैं तो देखते हैं कि सामने बालमुकुंद की मूर्ति दिखाई दे रही है। अब आपके सामने जिज्ञासा होगी कि पहले तो मैंने मूर्ति के विरोध में बहुत बोला, मूर्ति कहाँ चली गई थी? मूर्ति कहीं गई नहीं थी, मूर्ति जड़ पदार्थ है, वो कहीं आ जा नहीं सकती। यदि ऐसा होता तो मुसलमानों ने सबकी मूर्तियाँ तोड़ी, कोई मूर्ति भाग कर अपनी रक्षा नहीं कर पाई। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में जब औरंगजेब की सेना ने प्रवेश किया तो पंडों ने शंकर जी को कुएं में छिपा दिया था, और राजस्थान में जो ठाकुर द्वारा है उनको भी छिपा करके किस तरह से वृंदावन से कहीं छिपा करके वहां ले जाया गया था। सोचिए परमात्मा को एक मुस्लिम आक्रांता से अपनी रक्षा करने के लिए छिपना पड़ रहा है। परमात्मा जिसकी इच्छा से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय होते हैं, क्या उनको एक मुस्लिम आक्रमणकारी से छिपने की आवश्यकता पड़ सकती है? जिसकी इच्छा के विलास से पृथ्वी जैसी असंख्य पृथ्वियां एक पल में बनती हैं और लय को प्राप्त होती हैं, वो एक अदना सा अत्याचारी इंसान से क्यों डरेगा, क्यों छिपेगा? हमने परमात्मा के नाम पर महापुरुषों की मूर्तियां बनाई और उनको उपहास का पात्र बना दिया। कारण क्या है? मूर्ति के अदृश्य होने का रहस्य क्या है? योग दर्शन में विभूति पात में ऐसी सिद्धियां आती हैं, जैसे आप आकाश में उड़ना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? मैंने अभी आपको बोला था कि मन के संकल्प शक्ति से सब कुछ होता है। आप रुई जैसे हल्के पदार्थ में ध्यान कीजिए, ध्यान यानी धारणा, ध्यान समाधि, संयम इसको कहते हैं। रुई जैसे हल्के पदार्थों में आप संयम करेंगे तो आपको कुछ वर्षों के पश्चात यह सिद्धि मिल सकती है कि आप पक्षी की तरह आकाश में उड़ने लगेंगे। दृष्टिबंद होता है, दृष्टिबंदी की सिद्धि आप कर लेंगे तो आप सबके सामने रहेंगे लेकिन किसी को आप दिखाई नहीं पड़ेंगे। जो योगी किसी की दृष्टि में संयम कर लेता है, अपने स्थूल शरीर का भाव लेकर संकल्प बल से सबके सामने अदृश्य हो सकता है और वो किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा, इसी तरह से अपने संकल्प बल से
एक साथ कई रूप धारण किए जा सकते हैं। दुर्योधन की सभा में योगेश्वर श्री कृष्ण गए होते हैं संत दूत का प्रस्ताव लेकर। दुर्योधन पकड़ना चाहता है लेकिन वो जिधर देखता है उधर कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। ये कई श्री कृष्ण अनेक रूपों में हो जाते हैं, किस कृष्ण को पकड़े पकड़ नहीं पाता है। यही योग का ऐश्वर्य है। बालमुकुंद ने इसी तरह से हरदास जी की दृष्टि पर बंध लगा दिया था, मूर्ति वही थी और किसी को दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब आपके सामने प्रश्न होगा कि मूर्ति पूजा में कुछ सार्थकता है, तभी तो बालमुकुंद जी अपनी सेवा नहीं करवाना चाहते थे। इसका विशेष कारण है, एक ध्वज होता है, कपड़ा ही तो होता है राष्ट्र ध्वज, ऊपर केसरिया रंग, बीच में चक्र और नीचे हरा रंग। लेकिन 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई व्यक्ति उस राष्ट्र ध्वज का अपमान कर दे, जला दे, फाड़ दे, तो पुलिस को अधिकार होता है कि वो गोली मार सकती है। इस राष्ट्र ध्वज की गरिमा के लिए सेना सीमा पर खड़ी रहती है, अपनी जान देने को तैयार रहती है। पूरे देश का गौरव किसमें सिमट जाता है, एक छोटे से राष्ट्र ध्वज में। उसी तरह से जो जिसका आराध्य होता है वह कभी नहीं चाहेगा कि मेरे नाम पर किसी तरह का धब्बा लगे। बालमुकुंद कौन है? बालकृष्ण का वतन 11 साल 52 दिन तक लीला करने वाला जो तन है, उस तन में विष्णु भगवान का जो जीव है वो बालमुकुंद के रूप में है, जो सबलिंग के कारण में ब्रज लीला कर रहा है। उनको मालूम है कि इस तन में जो अक्षरातीत के आवेश की शक्ति थी वो राधा जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा है, वही राधा जी और वही आवेश शक्ति महारास में उन्होंने लीला की थी और उनकी ही कृपा दृष्टि से मुझे सबलिंग के कारण में ब्रज लीला का आनंद मिल रहा है। तभी वो कहते हैं कि मैं इनकी सेवा ना सह सकूं ना सह सकूं एहसान, इनकी कृपा से तो मुझे ये अखंड सुख मिल रहा है, भला राधा जी मेरी सेवा करें ये मुझे सहन नहीं हो सकता। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि इनको बांके बिहारी के वस्त्रों की सेवा दे देना। ये क्यों नहीं कहा कि बांके बिहारी की मूर्ति दे देना? वस्त्र सेवा में और स्थूल मूर्ति की सेवा में अंतर होता है। वस्त्र सेवा एक भावात्मक रूप पैदा करती है। जैसे आप देखेंगे कोई व्यक्ति आपको कोई भेंट में एक पेन दे दे, लेखनी कलम, कोई किताब दे दे, तो आप उसको बहुत सहेज करके रखते हैं। आप उसको कोई 1 लाख रुपया भी कोई दे करके लेना चाहे तो आप उसको देना नहीं चाहते। इसलिए बालमुकुंद ने कहा कि यदि बांके बिहारी के वस्त्रों की सेवा देवचंद जी को दे दी जाए तो उसको वो अपने आराध्य का प्रतीक मानकर, प्रेम का प्रतीक मानकर उसी को रखेंगे और श्रद्धा भावना से ध्यान करेंगे तो उनकी सुरता अखंड में पहुंच जाएगी, उनको आत्मिक लाभ होगा। इसलिए जब तक स्थूल पूजा हटेगी नहीं, जब तक स्थूल पूजा का वर्चस्व रहेगा तब तक समाज में ध्यान की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। आप देखिए, मैं सेवा पूजा के विरोध में नहीं हूँ वैसे, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, आगे अष्टपहर की वितक में चौपाई आती है, 11 चोलो रही तोलो बहुत चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहे अंगठरे। जब तक 11वीं सदी रही 1745 तक, यहाँ भाव 1751 तक है, यानी श्री जी के अंतर्ध्यान लीला से पहले सवेरे भी चितवनी कराई जाती है, शाम को भी चितवनी कराई जाती है, दोनों समय सुंदर सा चितवनी में डूबे रहते हैं। लेकिन उसके पश्चात क्या होता है? तिसे श्रेष्ठ विष्णु सवर से प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। 1751 के पश्चात चितवनी का दौर समाप्त होने लगता है। 1745 से 1775 तक केवल ज्ञान की प्रधानता रह जाती है और उसके बाद 70 साल तक केवल कर्मकांड, पूजा पाठ ही सब कुछ मान लिया गया। चितवनी नदारद आज भी यही हो रहा है।
हमारे देश में हमारे समाज में 400 से अधिक मंदिर हैं, लेकिन चितवनी 40 लाख सुंदर साथ में मुझे नहीं लगता है। 1 लाख तो क्या 40,000 भी चितवनी करते होंगे। मुझे स्पष्ट लगता है कि 40,000 में 4,000 भी सुंदर साथ सही तरीके से निष्ठा भाव से चितवनी करते हों तो मैं समझता हूँ यह बहुत खुशी की बात है। जहाँ हर सुंदर साथ को चितवनी करनी चाहिए, वो चितवनी किनारे क्यों हो गई? सेवा पूजा में प्रतिदिन स्वरूप पढ़ा जाता है तो कहा जाता है कि निस्दिन ग्रहीय प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। इनविद नरक से छूटिए और उपाय कोई ना, भजन बिना सब नरक है पच पच मरिए माए। निस्दिन प्रतिदिन युगल स्वरूप के चरणों को ग्रहण करना है, यानी चितवनी करनी है। लोग कहते हैं कि कहाँ वाणी में लिखा है चितवनी करना। आजकल तो जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है कि सेवा पूजा ही करो, यही सब कुछ है, चितवनी करने की जरूरत नहीं। तो सेवा पूजा में जो आप स्वरूप पढ़ते हो उसमें क्या लिखा है, ये तो कोई सोचता ही नहीं। चितवनी ही तो हमारा आहार है आत्मा का, चितवनी ही हमें धनी से मिलाने वाली प्रक्रिया है। लेकिन उस प्रक्रिया को ढक क्यों दिया गया? क्योंकि स्थूल पूजा का महत्व बढ़ गया है। आप जहाँ भी देखिए, सोने का कलश, सोने का सिंहासन, मूर्तियों को दूध से नहलाना, इससे आत्मा की क्या जागृति हो सकती है? हम सोने का सिंहासन तो क्या हीरे का सिंहासन बना दें, सोने की ईंटों से मंदिर बना दें, लेकिन यदि चितवनी नहीं करेंगे हमारा हृदय निर्मल नहीं होगा, राज्य के प्रति श्रद्धा समर्पण का भाव नहीं आएगा तो राज्य थोड़े मिलने वाले। देवचंद जी हरदास जी से जीव भाव के रूप में बहुत कुछ सीखे हैं, सेवा पूजा कैसे करना है, कैसे ये करना है, इसलिए वे अपने आराध्य के लिए प्रतिदिन भोग बनाते हैं, खुद पानी भर करके लाते हैं, पारिवारिक स्थिति आर्थिक अच्छी नहीं है इसलिए रूखा सूखा जो भी मिल जाता है उसको ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अपने आराध्य वहाँ के बिहारी के लिए थोड़ा सा चावल अच्छा रख लेते हैं, घी अच्छा रख लेते हैं, खान अच्छी रख लेते हैं, भोग बनाते हैं और भोग बनाकर ध्यान करते हैं। उनको मालूम है कि प्रीतम मिलेगा तो प्रेम से मिलेगा, ध्यान से मिलेगा। सेवा पूजा जरूर करते हैं लेकिन ध्यान करना नहीं छोड़ते। सुंदर साथ सेवा पूजा तो करते हैं लेकिन सेवा पूजा के साथ जो ध्यान करना चाहिए युगल स्वरूप का उससे किनारा कर लेते हैं। जल्दी जल्दी घंटी बजाई, आरती किया, भोग बोला, खा पी करके इससे क्या मिलने वाला है? हाँ, सेवा पूजा होनी चाहिए बच्चों के लिए। जो बच्चे ध्यान नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, इसी बहाने परिवार में संस्कार तो मिलेगा कि राज्य हैं, चलो कुछ खा रहे हैं तो भोग लगा कर खाएं, तो एक आस्था जगती है। इस दृष्टि से ठीक है, लेकिन 70 साल की उम्र में भी वही सेवा पूजा चलती रहे, कोई ध्यान न करे, तो आत्मा की जागने का रास्ता बंद हो जाता है। देवचंद जी खुद जाते हैं, कुएं से पानी भर कर लाते हैं, जमीन को लिपते हैं, अपने हाथ से भोग बनाते हैं। उनका विवाह हो चुका होता है, उनकी पत्नी है लीलबाई। आप जानते हैं पड़ोस की जो निठल्ली बहनें होती हैं जिनको कोई काम नहीं होता है, उनको 24 घंटा यही देखना होता है कि अमुक परिवार की महिला क्या कर रही है। वो ताना मारती हैं, तुम कैसी पत्नी हो, तुम्हारे रहते हैं तुम्हारे पति पानी भर करके लाते हैं, खुद जो है रसोई में चौका लगाते हैं, भोग बनाते हैं, क्या तुम ये सेवा नहीं कर सकते? लीलबाई बहुत जब दुखी हो जाती है तो श्री देवचंद जी से कहती है कि पतिदेव सेवा का अवसर तो मुझे दीजिए, मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ, मैं आपके साथ सहयोग कर सकती हूँ। देवचंद जी कहते हैं कि देखो जिनकी मैं सेवा करता हूँ उनके स्वरूप की तुम्हें तो पहचान नहीं है, तुम पड़ोस की महिलाओं के दबाव से ऐसा कह रही हो, बिना भाव की सेवा तो होती नहीं, और तुम जबरन सेवा करोगी तुम्हारा मन कभी दुखी हो जाएगा तो वो तो सेवा मेरी निष्फल हो जाएगी, इसलिए तुम मुझे खुश करना चाहती हो तो मेरे माता पिता की सेवा कर दिया करो। यह जो मैं सेवा करता हूँ अपने आराध्य बांके बिहारी की सेवा करता हूँ, मेरी आत्मा उनकी अर्धांगिनी है, इस भाव से मैं सेवा करता हूँ, इस सेवा को मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगा,
क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर वैसा भाव पैदा नहीं हुआ है। तुम मेरे माता पिता की देखभाल किया करो, मैं इसी से खुश हूँ। पत्नी को समझा दिया। समझाकर अब देवचंद जी निष्ठाबद्ध होकर सारी सेवा करते हैं। सवेरे उठ करके सेवा पूजा किया और उसके बाद ध्यान करते हैं। किसका? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, कि मैं बांके बिहारी के साथ रास नित्य वृंदावन के अंदर, रास की लीला के नित्य वृंदावन के अंदर मैं कुंज निकंजों में भ्रमण कर रही हूँ, महाराज की लीला कर रही हूँ। ऐसा करते करते एक दिन उनका ध्यान अखंड ब्रज में पहुँच गया। अखंड ब्रज में वो जाकर के देखते हैं कि ग्वाल बाल खेल रहे हैं, और सबसे पहले वो जाते हैं, उनको माता यशोदा दिखाई देती है, क्योंकि भागवत की कथा हरिदास जी भी किया करते थे, वो सुनते रहते थे। स्वाध्याय चिंतन हमेशा चलता रहता है। देखते हैं कि माता यशोदा बैठी हुई है और दूध गर्म करवा रही हैं, तरह तरह के काम करा रही हैं। उनको देखकर यशोदा जी कहती हैं कि आओ श्री देवचंद जी। वो किस भाव से सेवा करते हैं? देवचंद्र मानकर नहीं, सखी भाव होई भजियो भरदार, अपने को गोपी भाव मान करके कि मैं भी ब्रज की एक गोपी हूँ, रास की गोपी हूँ और बांकी बिहारी की अर्धांगिनी हूँ। इसलिए देवचंद जी के स्थूल शरीर से यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। वैसे भी तक में इस प्रकरण में हर जगह देवचंद जी नाम आया है, लेकिन भाव लिया जाएगा कि देवचंद जी को पहले ही हरदास जी ने कह दिया था कि देखो देवचंद जी, आज दिन तक इतनी सेवा मैंने की थी लेकिन कभी दर्शन नहीं हुए, तुम्हारे कारण आज बालमुकुंद ने साक्षात दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे अंदर राधा जी की आत्मा है, मैं तुमसे अब सेवा नहीं करवा सकता, इसलिए मैं तुमको ये मूर्ति दे, तुमको बांकी बिहारी के वस्त्र दे रहा हूँ, क्योंकि उनका आदेश है। देवचंद जी अब अपने को प्रत्यक्ष रूप से मानने लगे थे कि बालमुकुंद ने कह दिया कि मैं राधिका हूँ, तो उसी भाव से अब चितवनी भी करते रहते हैं और ध्यान में उनकी सुरता अखंड ब्रज में पहुँच जाती है, जहाँ ग्वाल बाल खेल रहे होते हैं। अब कहती हैं यशोदा जी कि ये देखो ये मिठाई ले लो, और कृष्ण तो जानते हो नटखट है, यहाँ मेरे पास कहाँ ठहरने वाला है, तुम यमुना के किनारे चले जाओ, वो ग्वाल बालों के साथ खेल रहा होगा। ध्यान में ही चले जाते हैं देवचंद जी राधा रूप में, जहाँ ग्वाल बाल खेल रहे होते हैं वहाँ पूछते हैं कि यहाँ कृष्ण हैं? ग्वाल बाल कहते हैं कि कौन कृष्ण, यहाँ तो बहुत से कृष्ण हैं। कहते हैं कि नंद के बेटे कृष्ण। कहा कि यहाँ नंद भी बहुत हैं। अंत में जब कहते हैं कि यशोदा के बेटे श्री कृष्ण, कहते हैं कि हाँ ये है श्री कृष्ण जी, वही होते हैं। कहते हैं कि आओ राधे मेरे साथ बैठो, हाथ पकड़कर बैठाते हैं। उस समय ध्यान में ये सब कुछ देख रहे हैं कि ऐसा दृश्य चल रहा है, क्योंकि ब्रज की लीला योग माया के अंदर अखंड हो चुकी है, नित्य चल रही है, रास की लीला भी नित्य चल रही है। ध्यान में उन्होंने यह दृश्य देखा कि घुगनी, आप जानते हैं ये गेहूं को या चने को उबाल लिया जाता है, उसमें दूध और शक्कर डाल करके पकाया जाता है, तो ग्वाल बाल भी वहाँ उस दिन उन्होंने वही बनाए थे और उसका पानी निकाल रहे थे। जो मिठाई ले गए थे देवचंद जी यशोदा जी का दिया हुआ, उस मिठाई को भी उन्होंने उसमें जमा कर दिया, सबके हिस्से बांटे गए। कृष्ण जी ने कहा कि मेरे साथ आज राधा जी भी हैं, तो जो मेरा हिस्सा है डबल होना चाहिए। राधा जी के रूप में देवचंद जी श्री कृष्ण जी के साथ भोजन करने लगते हैं। भोजन करते करते जैसे ही भोजन करने के लिए हाथ उठाया, तब उनका ध्यान टूट गया, जो दर्शन था वो समाप्त हो गया। ये घटना हमें बहुत कुछ शिक्षा दे रही है। सुंदर साथ में एक भ्रांति है कि बैठ करके चितवनी करने से क्या लाभ होगा, हम तो चलते फिरते चितवनी कर लेते हैं। चलते फिरते चितवनी ना तो कोई किया है, न करेगा, न कर सकेगा।
यदि ऐसा होता तो शेरपुर वाले महाराज जी पूरी पूरी रात क्यों बैठे रहते? वो भी चलते फिरते चितवनी कर सकते थे। किसी भी परमहंस ने चलते फिरते चितवनी नहीं की है। वाणी में जो लिखा है, उठते बैठते सुपन सुवत जागृत दम न छोड़े मासुक को जाकी असल हक निस्बत, इसका अर्थ यह है कि जिसके हृदय में प्रीतम की छवि बस गई, वह उठते बैठते सोते जागते हर स्थिति में उसका ध्यान राजी पर लगा रहता है। इसको क्या कहते हैं? भावलीनता। हम उठते बैठते क्या सोचते हैं सबको मालूम है ना? हमें सबसे प्यारा रस क्या रहता है? निंदा रस। उठेंगे किसी की निंदा करते हुए, बैठेंगे किसी की निंदा करते हुए, दूसरों की निंदा करना अपनी महिमा गाना हमारी पहली प्राथमिकता होती है। भली बुरी किनकी नहीं, हमें धर्म के मार्ग पर चलते समय क्या करना चाहिए? न किसी की महिमा गाइए न किसी की निंदा गाइए, यथार्थ को यथार्थ कहिए। जब ज्ञान दृष्टि से विवेक जागृत हो जाता है तो उठते बैठते आराध्य का ही चिंतन होता है। इसको कहते हैं भावलीनता, भावलीन योग। इसको ध्यान नहीं कहेंगे, चितवनी नहीं कहेंगे। देवचंद जी चितवनी कर रहे होते हैं, चितवनी में उनकी सुरता अखंड ब्रज में पहुंच गई होती है। और ब्रज बिहारी के रूप में कौन आया है? स्वयं वही राज्य। पहली बार मिले थे सिपाही के रूप में, जब व्याकुल होकर के भाग रहे होते हैं बारात के पीछे पीछे, तब राज्य आते हैं। लेकिन आंखों पे नींद है, पर्दा है, सामने रखकर साथ चलकर भी वो पहचान नहीं पाते। दूसरी बार देखिए, अब निष्ठा की परीक्षा ली जा रही है। दूसरी बार चितवनी में बैठे हैं ध्यान के द्वारा, जहाँ से शरीर हिला ध्यान होना बंद हो गया। इसलिए चितवनी करने से पहले आपको आसन की सिद्धि करनी ही पड़ेगी। यदि आसन की सिद्धि नहीं हो सकती है तो आपको ध्यान का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए दर्शन शास्त्र में लिखा है आसीना संभवात, जिसका आसन सिद्ध नहीं हो सकता वो कभी ध्यान का अधिकारी नहीं हो सकता। आसन किसको कहते हैं? स्थिर सुखम आश्रम, जिससे स्थिरता पूर्वक सुख से बैठा जा सके उसको कहते हैं आसन। पद्मासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, सरलासन में बैठिए, समत्वासन में बैठिए, लेकिन अपनी पीठ और गर्दन को सीधी रखिए। जब आपने ऐसा कर लिया तो खुजलाइए नहीं, हाथ पैर ना हिलाइए। जब स्थिर होकर के बैठने लगेंगे तो क्या होगा? आपका शरीर से ध्यान हट जाएगा। शरीर भाव तो पहले हटाना होता है, लेकिन कितना भी ध्यान करने वाला हो यदि उसका आसन स्थिर नहीं है तो समाधि तक प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आप देखिए, देवचंद जी को दर्शन हो रहा है, केवल हाथ ही तो हिला। भोजन कर रहे हैं ध्यान में श्री कृष्ण जी के साथ, केवल हाथ हिल गया तो उनको शरीर का आभास हो गया। शरीर का आभास होते ही जो सुरता योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची थी वो सुरता हट जाती है और ध्यान और दर्शन होना बंद हो जाता है। तीन स्थितियां मैंने दर्शन की बताई आपको। देवचंद जी को पहली बार जो दर्शन होता है, अंदर विरह है कि मैं बारात के पीछे क्यों न पहुंचूं, तो भी दर्शन होते हैं, लेकिन वो दर्शन नींद में होता है, अज्ञानता के अंधकार में होता है। पता नहीं है कि कौन है जो मेरा सामान उठाकर चल रहे। एक दर्शन होता है हरदास जी को, बैठे बैठे खोए हैं, विरह है, दुख है कि आखिर मूर्ति कहाँ चली गई। तो इतने साल से जो सेवा किए थे निष्ठाबद्ध होकर, उसके परिणाम स्वरूप देवचंद जी के संगत के कारण राज्य की कृपा बरसती है और उनको बालमुकुंद के दर्शन हो जाते हैं। अन्यथा यदि मूर्ति अदृश्य नहीं होती तो सेवा पूजा करने के कारण कभी भी हरदास जी को दर्शन होने नहीं थे। जब उनका मन एकाग्र हुआ संसार से परे तो दर्शन हो गया। मन की खटपट जब मिटे चटपट दर्शन हो। हम आंखें बंद करके बैठे हैं, मन में कुछ और सोच रहे हैं कि उससे इतना रुपया लेना है, उसको इतना देना है, उससे ये करना है, कहाँ से दर्शन होंगे? आपका अहम खड़ा है, मैं ये हूँ मैं ये हूँ, दर्शन कहाँ होगा? हरिदास जी की आंख लग गई थी तो निद्रा में उनके सारे विचार समाप्त हो गए थे, और अंतर में जैसे ही नींद टूटी तो उन्होंने लक्ष्य लिया था बालमुकुंद का, तो ध्यान की गहरी अवस्था हो गई
जिसको योग निद्रा का ध्यान कहते हैं और उनको दर्शन प्राप्त हो गया। अब यहाँ दर्शन की जो बात आ रही है, देवचंद जी का हृदय पूर्णतया शुद्ध है, वे कलाप ग्राम में रहने वाले देवापी राजा के जीव हैं, हिमालय में घोर तप कर चुके हैं पूर्व जन्मों में। अब जब नित्य वृंदावन का ध्यान कर रहे हैं तो उनकी सुरता कालमाया को पार करके बेहद मंडल में अखंड ब्रज में पहुंच जाती है। अखंड ब्रज का दर्शन कर रहे होते हैं लेकिन जो चूक होती है हाथ का हिलना, उसके कारण वो दर्शन समाप्त हो जाता है। इसलिए सुंदर साधक को चितवनी करते समय दो तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिए। यदि वो प्रातःकाल उठ करके चितवनी करते हैं तो एक गिलास पानी पी लें, हाथ मुँह पैर को धो लें, यदि जाड़े का मौसम है तो, गर्मी का मौसम है तो स्नान कर लें, और जितनी देर बैठे शरीर को बिल्कुल हिले डुलाए बिना बैठे। जब शरीर स्थिर होगा तभी आपका मन स्थिर होगा। तन थिर मन थिर पवन थिर सुरत निरत थिर हो, शरीर स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो प्राण वायु स्थिर होगी। प्राण धीरे धीरे प्रवाहित होंगे तो आपकी सुरता भी स्थिर होगी, जब सुरता स्थिर होगी तो दर्शन अवश्य होगा। इसलिए शरीर को स्थिर करना तो जरूरी है, लेकिन शरीर को स्थिर करने का मतलब मैं हठ योगियों की तरह नहीं करता कहता। हठ योगी कई कई दिन बैठे रहते हैं लेकिन उनको लक्ष्य का पता नहीं होता है। हठ योग के द्वारा कई कई दिन छः दिन की समाधि लगा लेते हैं लोग, दसवें द्वार में प्राण को रोक लेते हैं, उससे भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप दो घंटे बैठिए लेकिन प्रेममयी चितवनी कीजिए, शुष्क हृदय की चितवनी नहीं। प्रेम भरे हृदय से अक्षरातीत को पुकारिए, सोचना विचारना बंद कीजिए, अपनी परात्म का श्रृंगार सजिए, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो परातम संग लेके बिलसिए संख खसम। अपने इस मिट्टी के पुतले को भूला दीजिए। आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं या बालक हैं, कुछ बोलना याद रखिए। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं ये भी नहीं सोचने की बात है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी यही सोचें कि मैं परात्म स्वरूपा हूँ, मेरा स्वरूप वही है जो श्यामा जी जैसा, मेरा रूप रंग सब कुछ श्यामा जी जैसा है, और उसी भाव से आप चितवनी कीजिए। शरीर को हिलाइए डुलाइए नहीं, काल माया योग माया छोड़कर परम धाम में मूल मिला में प्रेस कीजिए। देखिए राज्य के दर्शन क्यों नहीं होते हैं, लेकिन अपने मन की खटपट को मिटाने के लिए आपको अपने आहार में सात्विकता लानी पड़ेगी। लहसुन प्याज मिर्च मसाले गरम मसाले जो आपके मन को उत्तेजित करते हैं इसको तो छोड़ना पड़ेगा। जब तक आहार में सात्विकता नहीं होगी आपका मन भागता रहेगा भागता रहेगा। आप तीखी तीखी मिर्चें खा लीजिए और बैठ जाइए आंखें बंद कर ध्यान करने के लिए, दुनिया सोचेगी कि खूब ध्यान कर रहे हैं आप, शरीर तो बैठा होगा मन भाग रहा होगा, इससे कुछ भी लाभ नहीं। शरीर को स्थिर कीजिए, मन को स्थिर कीजिए, मन की खटपट को मिटा दीजिए, सोचना विचारना बंद, केवल एक लक्ष्य युगल स्वरूप कैसे हैं फिर देखिए राज्य क्यों नहीं आते हैं। शुद्ध हृदय से सर्वसमर्पण के साथ अपने प्राणेश्वर को पुकारिए, वो प्राण की नली से भी निकट है, वो दर्शन देने में देर नहीं करते, देर हमारी है, हमने अपने जीव को कसौटी पर अभी खरा सिद्ध नहीं किया है। ये जो बीतक का प्रसंग है हमें शिक्षा देता है कि हम जो बहाना बना लेते हैं कि हम तो चलते फिरते चितवनी करते हैं, हमें बैठ करके आंख मूंदने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो शायद वो देवचंद जी से बड़े नहीं हो गए हैं सुंदर साथ जो इस तरह की बातें करते हैं। जब देवचंद जी का हाथ हिलने से दर्शन बंद हो सकता है तो चलते फिरते किसी को भी दर्शन नहीं हो सकते, ये दर्शन शास्त्र की मान्यता के खिलाफ है, वाणी और पीतक के खिलाफ है। इसलिए अब देवचंद जी को एहसास होता है कि मुझे कहीं और चलना चाहिए। 4 साल का समय और व्यतीत गया हो गया होता है। 26 साल की अवस्था में श्री देवचंद जी नौतनपुरी पहुंचते हैं भागवत कथा का श्रवण करने के लिए, क्योंकि अब उनको लगा कि यहाँ पर हमने ब्रजबिहारी के रूप में दर्शन पा लिया, देखा तो राज्य को ही होता है लेकिन स्वरूप होता है राज्य का, रूप होता है ब्रजबिहारी के रूप में श्री कृष्ण का। पहली बार दर्शन होता है सिपाही के भेष में बसरी सूरत का, दूसरी बार दर्शन होता है ब्रजबिहारी के रूप में, अब तीसरी बार श्री देवचंद जी को दर्शन होगा
परम धाम के श्रृंगार के रूप में अब इसके लिए नौतनपुरी श्री देवचंद जी प्रस्थान करेंगे अपने परिवार के साथ। आप सोचिए 26 साल की आयु में यह बालक यह युवक चल पड़ता है नौतनपुरी, किस लिए? मुझे प्रीतम मिले। आज का युवा क्या सोचता है? अच्छी आर्थिक स्थिति मिल जाए, कोठी बंगले हो जाए, सुख भोग पाऊं, अमेरिका जाऊं, इंग्लैंड जाऊं। लेकिन देवचंद जी भी तो हैं, सब गरीबी का भी कष्ट झेल रहे हैं, रूखा सूखा जो मिलता है खाते हैं, लेकिन एक तड़प है अपने आराध्य प्राणेश्वर को पा लेना, और यह तड़प जिसके अंदर होती है उसको राज्य अवश्य मिलते हैं। अब कल प्रसंग शुरू होगा कि देवचंद जी नौतनपुरी में जाकर क्या क्या करते हैं, क्या उनको उपलब्धि होती है। बीतक का हर घटनाक्रम हमारे लिए, हमें नहीं सोचना चाहिए कि तो देवचंद जी के साथ बीता है, हम उन घटनाक्रमों को अपने जीवन में ढालें कि यदि हम भी चितवनी में शांत स्थिर होकर बैठेंगे तो राज्य तो हमारे प्राण की नली से निकट है, अवश्य हमको मिलेंगे। अब छुपाई दूर श्री महामति कहे साथ जी, ए इत के कहे बयान, श्री देवचंद जी के स्वरूप की नेक कहो पहचान, नेक कहो पहचान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। Oh,
स्वरूप पर वारी अंगना बल
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।